हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नाम अमन सिंह और आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ आरएमसी मसाले के बारे में, आरएमसी के जो कंक्रीट होता है उसके बारे में। तो यहाँ पहले मेन पॉइंट पे आते हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप कभी यूज करते हो आरएमसी का कंक्रीट तो आपको ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले आते हैं कि क्या क्या चीज़ें, कुछ पॉइंट हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं। विश्वास की बात होती है यहाँ पर। देखो, आप यहाँ साइट पे अगर मैनुअल बनवाते हो इस तरह मशीन से, तो आप वहाँ पे साइट पे खड़े होते हो या फिर कोई आपका बंदा होता है जो देखता है कि लेबर क्या डाल रहा है, क्या कंक्रीट इसमें डाल रहा है, क्या सीमेंट डाल रहा है, क्या रूढ़ी डाल रहा है, इसमें क्या रेशियो बना रहा है, सही बना रहा है नहीं बना रहा है, कितना गीला है, कितना सूखा मसाला है, उस हिसाब से आप बनवाते हो अपने सामने खड़े होकर। लेकिन जब आप उससे महंगा आप रेट देते हो आरएमसी वालों को, कंक्रीट वालों को, और वो आपको बहुत ही वैसा कंक्रीट देते हैं, आपको लगता है रेडीमेड कंक्रीट है, नाम तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, यहाँ ट्रक से आया है और पंप से जो है उसको ऊपर भेजा रहा है। देखने वाले लोग कहते हैं बड़ा महंगा कंक्रीट है, अच्छा कंक्रीट होगा, लेकिन हकीकत कुछ और होती है यार। आपको क्या करना है, अच्छा अगर आरएमसी चाहिए होगा तो आप क्या करो, जहाँ से भी इसका प्लांट होगा, जहाँ से आप मंगाते हो, ठीक है, वहाँ से पहले फाइनल कर लो कि क्या क्या चीज़ें आप डालोगे इसमें। जो गिट्टी होगी या फिर रोड़ी होगी वो किस क्वालिटी की होगी। काफ़ी लोग मैंने देखा है आरएमसी में मसाले में सफ़ेद रोड़ी, जो जैसे हरिद्वार आप जाते हो तो जो गंगा में पतली पतली सफ़ेद वाली रोड़ी हैं, जो चिकनी रोड़ियाँ होती हैं, चिकनी गिट्टी होती है, वो यूज करते हैं। मतलब आधी मिक्स कर लेंगे वो, आधी मिक्स कर लेंगे वो, ठीक है, केमिकल का सब खेल होता है। सीमेंट भी जो भी डालना चाहिए एक क्यूबिक मीटर के आपसे उतना सीमेंट भी नहीं पड़ता उसमें, सीमेंट भी कम डालते हैं। पानी ज़्यादा पड़ के चलो ठीक है, पानी का चलो इशू इतना नहीं है कि हाँ चलो वो पंप से ऊपर भेजते हैं तो चलो जैसा उनकी मर्जी वैसे करें। लेकिन यहाँ जब आप रुपए दे रहे हो तो आपका ये हक बनता है कि आप जो सीमेंट है, जो चीज़ आपको चाहिए, M20 चाहिए, M25 चाहिए, उसी हिसाब से वो भी देते हैं। लेकिन अब वहाँ पर आप कैसे पता करोगे यार वो सही दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो आपको कुछ पॉइंट हैं, आप कोई ऐसा बंदा हो जो आपका विश्वसनीय हो, जब भी आप मान लो आज आपकी छत डलनी है, आरएमसी से काम होना है, तो आप उससे पहले आरएमसी वाले के पास फ़ोन कर लो, भाई कब से आप शुरू करोगे, किस टाइम भेजोगे या फिर किस टाइम आप बनाना शुरू करोगे अपने प्लांट में जो भी मसाला होगा, कंक्रीट होगा। तो आप अपना कोई बंदा जो विश्वसनीय बंदा हो उसको आप वहाँ पर बैठा के, जब तक वो बनाएगा मसाला, जो भी रेशियो वो डाल रहा है, सब चीज़ वो चेक करेगा खुद सामने, मतलब वो भी बैठ के वहाँ देखेगा, ऐसा नहीं चलो वहाँ खड़े हुए चेक कराएगा, मतलब वहाँ चीज़ जो जितना डाल रहा है वो सब वो चीज़ें चेक करेगा। और समझदार बंदा हो, ऐसा ना हो कि किसी जो इस फील्ड का ना हो वो कुछ जानता ही ना हो क्या रेशियो होता है क्या नहीं होता है, जो रेशियो के बारे में जानता हो, जो थोड़ा बहुत नॉलेज रखता हो इस चीज़ के बारे में, उसको भेजो, उसके सामने ही पूरा काम होगा। वहाँ पर जो अपना मसाला बनेगा, जो वहाँ से बनते हुए आएगा आपके पास, वो उसके सामने पड़ा होगा कि हाँ इतना कंक्रीट पड़ा है, ये रेशियो रखा गया, इतनी सीमेंट पड़ी है, इतना डस्ट पड़ा है, सीमेंट भी आप देख लो किस कंपनी की है, जो आपने बोला है उसी कंपनी की सीमेंट पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, जो गिट्टी होगी या फिर रोड़ी होगी वो किस क्वालिटी की है, ये भी आप चेक करोगे तब आप बनवाओगे। और जब तक वो बनाएगा मसाला, जितने बार बनाएगा वो बंदा वहीं पर रहेगा। हाँ, कुछ इसमें भी घपलेबाजी करते हैं, मतलब हर जगह कुछ ना कुछ घपलेबाजी होती है। बंदा ऐसा भेजो जो विश्वसनीय हो। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग होते हैं, मान लो एक ट्रक आता है करीब 35-40 हज़ार रुपये के आसपास मेरे ख्याल से आता है, तो एक ट्रक अगर मान लो एक ट्रक में अगर उसको उस बंदे को उस प्लांट वाले ने 1,000-2,000-3,000 रुपये दे दिए, तो मान लो 4 या 5 ट्रक आए तो 10-15-20 हज़ार तो उसके ऐसे ही हो गए। मान लो 3,000 रुपये दे दिए, 5 ट्रक आए तो 15,000 हो गए। वो उस लालच में क्या करेगा, फिर कहेगा हाँ सब कुछ बढ़िया हुआ, आपसे बोल देगा हाँ सब कुछ बढ़िया हुआ, अच्छा कंक्रीट आया है, लेकिन वो वहाँ से क्या है, काम ख़त्म हो गया उसका। तो ये भी मतलब हो सकते हैं, इससे ऐसा नहीं कि सब जगह होती हैं, हो सकती हैं। तो ऐसे बंदे भेजो जो अपने घर का बंदा हो, जो समझदार हो, ठीक ठाक हो, विश्वसनीय हो, वही बंदा वहाँ भेजो और सामने ही काम करवाओ, सामने ही मसाला बनाओ के तब आप अपनी साइड पर भेजो। और जो भी डंफर आएगा, जो भी आपके पास गाड़ी आएगी, हर गाड़ी कंक्रीट जो प्लांट वाले हैं उनसे बोल लो 1x1x1 फिट का एक क्यूब होगा, बॉक्स होगा, वो उस पर वो कंक्रीट का एक सैंपल बना के सेट करके देंगे। वो सैंपल आप अपने पास रखो, हर बैच का जो भी ट्रक आएंगे, हर ट्रक का निकाल के सैंपल आप रखोगे कंक्रीट का,
ये करीब 9 बाई 9 बाई 9 इस क्यूबिक फिट का पूरा हिसाब हो जाएगा, 9 बाई 9 फिट हाइट, मतलब एक क्यूबिक बन जाएगा 9 इंच का या फिर 1 फिट का, तो क्यूब बना के रखोगे। अब ये किस लिए ज़रूरी है, मान लो आपको कुछ डाउट हुआ बाद में कि यार कंक्रीट में मुझको कुछ डाउट हो रहा है, तो आप उसकी टेस्टिंग कराओगे। और टेस्टिंग कभी उसके पास नहीं करानी जहाँ से आप कंक्रीट लेके आए हो, जहाँ से आपने कंक्रीट आरएमसी मसाला बनवाया कंक्रीट, ये टेस्टिंग कहीं और करो आप, जहाँ से आप कुछ अलग जगह हो वहाँ से कराओ आप उसका। देखो फिर कि कंक्रीट क्या हर उसमें बैच में एक ही तरह का मसाला आया है, ये पता चल जाएगा आपको उस टेस्टिंग से। उसका साइड इफेक्ट भी मिलता है कि हाँ ये कंक्रीट अच्छी है या फिर किस ग्रेड का कंक्रीट है, कितनी स्ट्रेंथ थी इस कंक्रीट की, ये सब पता चल जाएगा आपको। ये भी पता चल जाएगा कि किस गाड़ी में मसाला अच्छा आया है, किस गाड़ी में ख़राब आया है, तो ये चीज़ें पकड़ में आती हैं। क्योंकि क्या होता है, यहाँ खाली नाम होते हैं आरएमसी के, ठीक है काम जल्दी होता है, वो चलो प्लस पॉइंट है, उसके साथ काम जल्दी होता है, लेकिन जो मैनुअल बनाते हैं वो आपके सामने हर चीज़ बनाते हैं, लेकिन वो भी अच्छा बनाते हैं। ऐसा नहीं कि सब प्लांट वाले ही यही करते हों, लेकिन कुछ हैं एक आधे लोग जो मार्केट में होते हैं जो कर सकते हैं, करते हैं भी। डालना होगा 6 बोरी सीमेंट, वो डालते हैं 5 बोरी, तो ये सब चीज़ें हैं। अपने सामने खुद बना रहे हो, मैनुअल बना रहे हो, तो अपने सामने हर चीज़ डलवा रहे हो जो रेसे होना चाहिए, वो वहाँ से कुछ बना के अलग भेज देते हैं, मटेरियल भी अच्छा खासा नहीं होता है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और हाँ एक चीज़ और थी, जब भी आप शटरिंग प्लाई वाली यूज कर रहे हो और जब भी आप पहला केमिकल जो एक जो ट्रक आता है, जब भी पहला पंप होता है, जब जो कंक्रीट है वो पंप होकर जब पहली बार छत पर पड़ता है, तो पहली बार कुछ केमिकल उसके साथ आता है, उस कंक्रीट के साथ आरएमसी वाले के साथ, तो हल्का सा वाइट कलर का होता है और थोड़ा सा गोंद टाइप में होता है, ग्लू टाइप में होता है, तो उस केमिकल को तुरंत पानी डाल के उसको हटा दो। क्योंकि मैंने ये चीज़ फेस किया है, जब वो केमिकल्स आप नहीं हटाते हो, आप केयरफुली सोचते हैं केमिकल पड़ा है तो शायद बॉन्डिंग केमिकल होगा, ये अच्छा सा अच्छे से कंक्रीट को बॉन्ड करने के लिए डाला गया होगा, लेकिन वो हकीकत क्या होता है, वो हल्का सा हनीकॉम्बिंग टाइप में बाद में होता है। मान लो वहाँ पर आपने केमिकल डाला, अब फिर कंक्रीट आपने डाल दी, उस केमिकल को हटाया नहीं आपने पानी डाल के, तो जब कंक्रीट की आप शटरिंग हटाते हो तो जिस जगह पे पहली बार वो केमिकल पड़ा होगा या फिर पहली बार वो मसाला पड़ा रहा होगा, तो उस जगह पे क्या होगा, हनी कॉम्बिंग जैसा पूरा एरिया बन जाता है और वहाँ की कंक्रीट बहुत ही लूज़ हो जाती है। अब ये मुझे नहीं पता कि ये कंक्रीट जो केमिकल पड़ता है ये हर जगह डालते हैं लोग, या फिर कुछ अपने पंप के लिए डालते होंगे कि पंप में वो चीज़ फंसे ना, ऑयलिंग टाइप में होता है कुछ, तो ये चीज़ आप थोड़ा कन्फर्म कर लो उनसे भी, शायद होता है कुछ लोग डालते हों कुछ लोग ना डालते हों, ऐसा कुछ ज़रूरी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये जो कंक्रीट वाला होगा उससे पहले दिखा लो भाई ये केमिकल किस तरह का है, इसको पानी डालें कि ना डालें, हटाएं कि ना हटाएं। लेकिन मैंने फेस किया है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ अपनी चीज़, अपना एक्सपीरियंस कि ये शायद हो भी सकता है आपके साथ। तो दोस्तों इस वीडियो में खैर मेन यही था कि कंक्रीट तो चलो जैसी है वैसी है, लेकिन आरएमसी जब भी बनवाओगे तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जो करिएगा, सब्सक्राइब जो करिएगा, शेयर जो करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। इधर कर लेते, इधर उधर तो हो ही जाता है, यहाँ से निकालोगे।
ए राम जी आगे 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 अरे मसाला लगते है मसाला मुंह लगा तो नहीं लगा है पलक में नहीं लगा।